हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल स्टडी आइकॉन पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने एंशेंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इस 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के कार्य को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में जाना जाता है, बीच के काल को जाना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तभी के लोग तंबाकू की के बारे में परिचित नहीं थे। तंबाकू के बारे में तो ये पुर्तगालियों ने हम लोगों को बताया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और भारतीय संगति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है। तो कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन का जो है प्रवर्तक कपिल मुनि था। न्याय का गौतम था। चार्वक का चार्वाक था। योग का पतंजलि। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक का कनाद था। प्रथम विधि निर्माता के नाम से मनु को जाना जाता है। कृषि भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौधन। ऋग्वेद के लिए के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त है। 10580 ऋचाए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचा है, अग्नि के लिए 200 है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। 4 ऋग्वेद हैं ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। और पुराणों की संख्याओं के बारे में बात किया जाए तो ये टोटल 18 है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है।
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का नवमा मंडल। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषुनी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधुक नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो कैकई प्रदेश के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा जिसे काबुल के नाम से भी जाना जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक कपिल मुनि है। भारत के किस स्थल को खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्रचलन के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है यह किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और तीसरे मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। योग के दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन पर आधारित। वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ। वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पे विश्वास करते थे। चरक संगीता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन एक मंत्री परिषद की सभा थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन व्यवस्था थी गणतंत्र। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांस एवं वेदांत इन छह भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार की थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी विदत? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। किस वेद में जादुमयी जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगण्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, बीजी बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है, पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था, प्रजापति को। संस्कार की कुल संख्या कितनी है, 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो गाइज ये हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में बात करा, ठीक है। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में राय ज़रूर दें कि ये वीडियो कैसी लग रही है, या सीरीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।